नमस्कार, मी कल्पना इनामदार। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। नमस्कार प्यारे देशवासियों, एक सामान्य गृहिणी, एक भारतीय महिला होने के नाते मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सब क्यों ना एक संकल्प करें। मेरा मतलब टिकटॉक से है। देखो ना आप, पहले ही ये कोरोना जैसी महामारी क्या कम है जब हम सबको टिकटॉक की लत लग गई। वैसे तो हमें किसी को दोष देना नहीं चाहिए, पर अगर सचमुच आप अपने देश से प्यार करते हैं और अपने देश का भला चाहते हैं, तो हर एक भारतीय वासी को उस चैनल, उस चीन के टिकटॉक चैनल पर बंदी लगानी पड़ेगी। सच तो यह है कि ये बात खुद अपने दिल से पूछकर देखनी चाहिए। क्या कहता है दिल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसे नहीं बनता। हमें आजादी देने के लिए कितने महान आत्माओं का त्याग है, क्या वो भी भूल गए? मेरे भाई और मेरे बहनों, सचमुच मैं दिल से आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज टिकटॉक यूज ना करें। और हम भारतीय क्या दिमाग से कम है क्या जो हमें टिकटॉक जैसे चैनल का सहारा लेना पड़े? प्लीज टिकटॉक की कुबड़ी लेकर मत चलो। खुद में है हिम्मत और ज्ञान, उसका करो प्रसार। सरकार को टिकटॉक जब बंद करना हो तब करे, पर उसका हम इंतजार क्यों करें? आज से ही टिकटॉक हम नहीं यूज करेंगे, करो ये प्रतिज्ञा। और जो अपने अंदर है, जो खुद की रचाई हुई रचना है, उसको करो साकार। आपके अंदर कूट कूट कर भरा है हुनर, कब आएगा आपकी नजर? गर्व से खुद को ही बोलोगे, क्या यार मेरे अंदर है इतनी प्रतिभा, उसे मैं देख नहीं पाया जब से पड़ा टिकटॉक का साया। मेरा आप सब भारतीय लोगों को दिल से ख्वाहिश है कि प्लीज जरा उस पर नजर करो, आप टिकटॉक का यूज मत करो। और अगर सचमुच आप चाहते हो ऐसा ही जैसे मैं चाहती हूँ, तो मेरा ये निवेदन, मेरा ये वीडियो मोदी जी तक पहुँचा दो, प्लीज़ पहुँचा दो। थैंक यू सो मच।